हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतुल फिर से लाइव आ रहा हूँ आपके लिए। आज मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूँगा जो अब्राहम लिंकन के ऑफिस में कभी हुआ था। एक्चुअली मैंने आज एक सिचुएशन देखा जिससे मुझे ये कहानी याद आई और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक जगह मैं आज गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि किसी ने किसी को कुछ अच्छी चीज़ के लिए कहा, बट वो होता है निगेटिव मोटिवेशन जो हम लोग कहते हैं, वो निगेटिव मोटिवेशन था। इट शुड नॉट बी देयर। मैं भी मानता हूँ कि निगेटिव मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन आपने लोगों को देना चाहिए। बट अगर कोई आपके लिए आपको कुछ कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वैसे हो, या फिर मेन है कि आपने उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए एंड सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप जितना डेडिकेशन से और इससे काम करोगे, डेफिनेटली आप उतना लोगों से जुड़ोगे। तो एक छोटा सा किस्सा अब्राहम लिंकन के साथ हुआ था उनके ऑफिस में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक दिन अब्राहम लिंकन अपने ऑफिस पहुँचे और उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बहुत उदास पाया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने सारा किस्सा बताया। तब अब्राहम लिंकन ने उनके सेक्रेटरी को एक छोटा सा सवाल पूछा कि क्या अगर हम घोड़े की पूँछ को उसका पैर कहे तो घोड़े के कितने पैर हुए। सेक्रेटरी ने फटाक से जवाब दिया, 5। तब अब्राहम लिंकन ने उनको बड़ी आसानी से या फिर बड़े ही सिंपल तरीके से एक बात समझाई कि घोड़े की पूँछ को अगर पैर कह दिया जाए तो पैर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको भी अगर कोई कुछ भी कहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। टेक इट पॉजिटिव एंड लिव योर लाइफ। थैंक यू।